हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनक्लेक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर एक एवरेज स्टूडेंट को एग्जाम में 30-35 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर आपको प्रायोरिटाइजेशन सेट करनी नहीं आती तो आपका एनक्लेक्स को पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आज मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, कि कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं किसी पेशेंट को। अब ये प्रायोरिटाइजेशन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको चार पेशेंट मिलते हैं ऑप्शन में, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे सीकेस्ट पेशेंट कौन सा है या सबसे ज्यादा केयर किस पेशेंट को जरूरत है। सो आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा प्रायोरिटाइजेशन के बारे में। अगर आप उन रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो आप 100% प्रायोरिटाइजेशन वाले क्वेश्चन को सही कर पाओगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा कुछ प्रायोरिटाइजेशन के बारे में। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट रूल, जो कि है मॉडिफाइंग फ्रेज इज की। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आपको कोई प्रायोरिटी डेलीगेशन का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको जो आपका एग्जामिनर है वो चार पार्ट्स को यूज करेगा। फर्स्ट वन इज एज, सेकंड वन इज जेंडर, थर्ड वन इज डायग्नोसिस, फोर्थ वन इज मॉडिफाइंग फ्रेज। अब कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल ए 5-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम दिस दिस दिस, उसके वाइटल्स ही हैं। इस तरह से आपको चार पार्ट्स में आपका एक क्वेश्चन डिवाइड होगा। ए 5-year यानी कि एज, मेल यानी कि जेंडर, उसके बाद डायग्नोसिस, पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस है, पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, डायग्नोसिस। मॉडिफाइंग फ्रेज क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट, पहले मैं एज और जेंडर के बारे में बात करूंगा। कभी भी जब भी आप प्रायोरिटाइजेशन के क्वेश्चन कर रहे होते हो, नेवर एवर प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर। ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक ट्रैप है। कभी भी अपने क्वेश्चन को एज और जेंडर के बेसिस पर कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, ए 5-year-old फीमेल सफरिंग फ्रॉम एनी कंडीशन, ए 25-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम एनी कंडीशन। अभी मैं कंडीशन के बारे में, डायग्नोसिस और मॉडिफाइंग फेज के बारे में बात नहीं कर रहा, बट ऑन एन एवरेज जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर 5 साल की एज है तो ये पेशेंट माइट बी यू नो ज्यादा सीवियर हो सकता है एज कंपेयर टू 25 ईयर ऑफ ओल्ड एज। या सेकेंडली अगर फीमेल है वो ज्यादा सिक हो सकती है, क्योंकि हम वीक मानकर चलते हैं एज कंपेयर टू मेल। तो मेक श्योर नेवर एवर प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ एज एज वेल एज जेंडर। जब भी हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं, कीप इन माइंड 5-year-old जो बच्चा है उसकी लाइफ की कीमत ज्यादा नहीं है 25 ईयर से। या फिर इफ एक फीमेल इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन अ मेल, दोनों ही ह्यूमंस हैं, दोनों की ही लाइफ एक बराबर जरूरी है। अगर तो मैं पीडियाट्री के क्वेश्चन करूं, वहां पर हम देखते हैं यू नो 1 साल के बच्चा ज्यादा है, थोड़ा वो है, ज्यादा सीरियस हो सकता है रेदर देन 5 साल। बट मेक श्योर जब भी प्रायोरिटी डेलीगेशन के क्वेश्चन करते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन किस क्वेश्चन को करना है, हम कभी भी एज और जेंडर के बेसिस पर प्रायोरिटाइज नहीं करते। सो दीज टू थिंग्स आर टोटली इररेलेवेंट जब भी हमें कोई क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, किसी ऑप्शन को प्रायोरिटाइज करना है। कभी भी एज के ऊपर नहीं जाना, कभी भी जेंडर के ऊपर नहीं जाना। दैट इज ए मिथ जो कि आपको एनक्लेक्स ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज। अब प्रायोरिटाइज दो चीजों के बेसिस पर करते हैं, ऑल्दो डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट बट मॉडिफाइंग फ्रेज इज की। अब इसका मतलब क्या, अच्छे से समझना। एग्जाम्पल नंबर टू, ए पेशेंट इज हैविंग हार्ट अटैक, ये क्या है डायग्नोसिस, वाइटल्स आर स्टेबल। सेकेंड पेशेंट, पर्सन इज हैविंग चेस्ट पेन, ये क्या है डायग्नोसिस, है ना। इसका डायग्नोसिस क्या है, हार्ट अटैक है, इस पेशेंट को क्या है चेस्ट पेन। अब डायग्नोसिस के बेसिस पर अगर मैं प्रायोरिटाइज करूंगा, ऑब्वियसली 90% ऑफ द स्टूडेंट क्या हार्ट अटैक को चूज करेंगे चेस्ट पेन से पहले। बट मैंने क्या बोला, मॉडिफाइंग फ्रेज इज की। अब मॉडिफाइंग फ्रेज क्या होता है, उसके जो साइड बाय स्टेटमेंट दे रखे, उसके वाइटल्स, उसकी रिपोर्ट्स, वही सब कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज हैविंग हार्ट अटैक, एक इंसान को हार्ट अटैक हुआ, उसके वाइटल्स क्या है स्टेबल है। वाइटल स्टेबल होने का मतलब क्या, ऑल्दो पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ बट राइट नाउ पेशेंट इज स्टेबल। पर्सन इज हैविंग चेस्ट पेन,
ब्लड प्रेशर आया 90/60, रेस्पिरेशन भी बढ़ी हुई आई, मतलब कि इसके वाइटल्स क्या है, अनस्टेबल, एंड दिस क्लाइंट इज अनस्टेबल. ऑल्दो डायग्नोसिस के बेसिस पर दिस वन वॉज प्रायोरिटी, बट मॉडिफाइंग फ्रेज इज एवरीथिंग. ये भी एक एनक्लेक्स का ट्रैप है 90% ऑफ द टाइम. अनटिल और अनलेस आपको ये स्टेटमेंट ना दी होती, आपको ये स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ना दी होती, तो आप अगर सिर्फ डायग्नोसिस के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करते हो, ऑब्वियसली ये चीज क्या होती, सही होती. बट आगे उसने मॉडिफाइंग फ्रेज दे रखा है, दैट इज द की. मेक श्योर करना, कभी भी डायग्नोसिस के बेसिस पर प्रायोरिटाइज नहीं करना अगर आपको मॉडिफाइंग फ्रेज दे रखा है. सो मॉडिफाइंग फ्रेज इज द की, दैट इज द रूल नंबर वन. ऑलवेज लुक एट द जो डायग्नोसिस के बाद स्टेटमेंट दे रखे, उसके वाइटल्स क्या है, उसकी रेस्पिरेशन क्या है, उसका ग्लास्कोकोमा स्केल्स क्या है, या फिर उसकी रिपोर्ट्स क्या है, एनीथिंग एल्स जो कि जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइंग फ्रेज. सो रूल नंबर वन इज मॉडिफाइंग फ्रेज इज की, नेवर एवर डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और एज. ऑल्दो डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट, बट अगर मॉडिफाइंग फ्रेज दे रखा है, मॉडिफाइंग फ्रेज इज द की, दैट इज द रूल नंबर वन. अब रूल नंबर टू क्या कहता है हमारा, प्रायोरिटाइज एक्यूट ओवर क्रोनिक. हमने एक्यूट कंडीशन को प्रायोरिटाइज करना है ओवर क्रोनिक. एंड एबीसी इज ट्रैप, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन इज ट्रैप. अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यू हैव थ्री पेशेंट्स, सीओपीडी. सीओपीडी क्या है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की कंडीशन है जिसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है. सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये क्या है, हमारी सर्कुलेशन की वो है प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है. थर्ड वन इज अपेंडिसाइटिस. अब हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हमने किसको प्रायोरिटाइज करना है, एक्यूट कंडीशन को. सीओपीडी एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि पेशेंट को बहुत टाइम में होती है और पेशेंट में रहती है. पेशेंट को सीओपीडी की वजह से, इट्स नॉट लाइक दैट कि पेशेंट अभी सीओपीडी में डायग्नोज हुआ और पेशेंट की डेथ हो जाएगी. इट इज अ क्रोनिक कंडीशन. पेशेंट को यू नो डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बट पेशेंट इमीडिएटली नहीं मरेगा. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ऑल्सो ए क्रोनिक कंडीशन. ऐसा नहीं होता कि अभी पेशेंट मर जाएगा, ये क्या है, एक क्रोनिक कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग चलती है, कॉम्प्लिकेशन के बाद जाकर पेशेंट को डेथ होती है. थर्ड वन इज अपेंडिसाइटिस. इट इज एक्यूट कंडीशन, पेशेंट को हुई, पेशेंट की इमीडिएटली हमने सर्जरी करनी होती है, अदरवाइज अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है. अब अगर आप इस रूल को फॉलो ना करो, एक्यूट ओवर क्रोनिक, अगर आपको रूल ना पता हो, जनरली बच्चे क्या करते हैं, एबीसी को फॉलो करते हैं. ऑलवेज कीप इन माइंड, एबीसी जनरल सेंस में फॉलो होता है, बट जब कभी भी प्रायोरिटाइज करना होता है, एनक्लेक्स हमेशा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा. इन केस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन एबीसी को हम फॉलो नहीं करते. अब अगर आप यहाँ पर एबीसी को फॉलो करते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किसको चुनते, सीओपीडी को, क्योंकि एयरवे सबसे पहले प्रायोरिटी है. कुछ स्टूडेंट चुनते लेते कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, बट बहुत कम स्टूडेंट चुनते अपेंडिसाइटिस को. सो मेक श्योर करना, एक्यूट कंडीशन इज ऑलवेज आर प्रायोरिटी रेदर देन क्रोनिक कंडीशन, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन वाले पेशेंट को हम स्टेबल पेशेंट मानते हैं एज कंपेयर टू एक्यूट कंडीशन. सो कभी भी इन केस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन नेवर फॉलो एबीसी, ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू रूल अपेंडिसाइटिस इज द प्रायोरिटी, बट इफ यू फॉलो द एबीसी इन प्रायोरिटाइजेशन, यू मे चूज सीओपीडी, जो कि 100% आपका गलत होता. सो रूल नंबर टू क्या कहता है हमारा, हमेशा एक्यूट कंडीशन प्रायोरिटी है ओवर क्रोनिक कंडीशन, और एबीसी को हमने प्रायोरिटाइजेशन में फॉलो नहीं करना. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड रूल, टाइम फ्रेम इज असेंशियल. टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. कहां पर, फ्रेश पोस्ट ऑप इज प्रायोरिटी ओवर अदर मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन. जो भी अभी फ्रेश पोस्ट ऑप वाला पेशेंट है, वो हमेशा हमारी प्रायोरिटी है ओवर अदर मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन. अब एक क्वेश्चन होता है कि फ्रेश पोस्ट ऑप है कितना, 24 आवर, 48 आवर, 12 आवर. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, फ्रेश पोस्ट ऑप इज पेशेंट लेस देन 12 आवर. 12 आवर और लेस देन 12 आवर हमेशा हमारी प्रायोरिटी है ओवर अदर मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक पेशेंट है जो सीओपीडी वाला, ठीक है, ये क्या एक मेडिकल कंडीशन है ऑब्वियसली. सेकंड पेशेंट हमारे पास आया, 16 आवर पहले उसकी क्या हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है. बाईपास सर्जरी किसकी, ऑब्वियसली हार्ट की. थर्ड पेशेंट हमारे पास आया एक दिन पहले, मतलब 24 आवर्ली उसकी क्या, क्रेनेक्टमी हुई है, मतलब उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई है. फोर्थ पेशेंट हमारे पास आया 2 आवर पोस्ट ऑप गॉल ब्लैडर रिमूवल वाला.
ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा कौन सा पेशेंट प्रायोरिटी होगा, लेस देन 12 आर, यानी कि 2 आर पोस्ट ऑप वाला जिसका गोल ब्लैडर रिमूव है। कीप इन माइंड एक्यूट गट इज प्रायोरिटी ओवर क्रोनिक हार्ट, मेक श्योर करना जब भी सर्जरी की टाइमिंग दे रखी है लेस देन 12 आर इज ऑलवेज यूर प्रायोरिटी ओवर एवरी अदर ऑप्शन, मेक श्योर करना मैंने लेस देन 12 आर कहा है, 24 आर नहीं कहा। सो जो पेशेंट हमारा, ऑल्दो गोल ब्लैडर कितना छोटा ऑर्गन है एज कंपेयर टू हार्ट, ऑल्दो गोल ब्लैडर कितना छोटा ऑर्गन है एज कंपेयर टू ब्रेन, बट स्टिल इस पेशेंट को हम ज्यादा अनस्टेबल मान के चलते हैं क्योंकि भी सिर्फ 2 घंटे पहले सर्जरी हुई है। सो 12 आर विंडो इसकी मेक श्योर करना, आप इस बात को रिमेंबर रखो। सो थर्ड रूल इज टाइम फ्रेम इज असेंशियल, और टाइम फ्रेम क्या है, जब भी सर्जरी की बात होगी हमने लेस देन 12 आर पेशेंट को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है, चाहे कितना मर्जी आगे बड़ी सर्जरी लिखी हो, चाहे कितनी मर्जी बड़ी आगे हमारी क्या डायग्नोज लिखा हो, 2 आर 4 आर 6 आर 10 आर 12 आर हमेशा हमारे क्या अनस्टेबल क्लाइंट है, रेदर देन 24, 48, 72, 16 घंटे, 18 घंटे और या फिर अदर मेडिकल कंडीशन। सो मेक श्योर करना इस रूल को आप याद रखो। रूल नंबर 4 इज प्रायोरिटाइज अनस्टेबल ओवर स्टेबल क्लाइंट। अब इसका क्या मतलब है, अनस्टेबल क्लाइंट और स्टेबल क्लाइंट का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट अनस्टेबल है कौन सा स्टेबल है। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, स्टेबल क्लाइंट कौन से होते हैं, क्रोनिक इलनेस, यहीं पर हम बात करके आए थे कि यू नो क्रोनिक इलनेस, तभी तो हम हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं एक्यूट पेशेंट को। सो क्रोनिक पेशेंट को हम स्टेबल मानकर चलते हैं। सो अब अनस्टेबल कौन सा होगा, एक्यूट इलनेस, जो भी क्रोनिक इलनेस है वो स्टेबल क्लाइंट है, जो भी एक्यूट इलनेस है वो अनस्टेबल क्लाइंट है, हमने हमेशा इसको प्रायोरिटाइज करना है। पोस्ट ऑप मोर देन 12 आर हम क्या मानते हैं, स्टेबल मानते हैं इन क्लाइंट को, अभी हमें रूल पढ़कर आए हैं। पोस्ट ऑप लेस देन 12 आर हम इस क्लाइंट को क्या मानते हैं, अनस्टेबल मानते हैं। लोकल एनेस्थीजिया का अगर जिक्र होगा, थिंक अबाउट दीज आर स्टेबल क्लाइंट। जनरल एनेस्थीजिया की बात होगी, थिंक अबाउट अनस्टेबल क्लाइंट। लैब वैल्यूज ऑफ ए एंड बी लेवल आर स्टेबल क्लाइंट, लैब वैल्यूज ऑफ सी एंड डी लेवल आर अनस्टेबल क्लाइंट। अब ए और बी में कौन कौन सी आती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू होती है 10 to 20, अगर बड़ी भी होगी किस उसमें आएगी, हमेशा ए या बी में आएगी, सो ये स्टेबल क्लाइंट है, चाहे आपको लगे कि बड़ी हुई है, स्टेबल क्लाइंट। हीमोग्लोबिन का लेवल अप टू 12 होता है नॉर्मल, ठीक है जी, लेस देन 12 हमेशा एबनॉर्मल होता है, बट इफ इट इज अप टू 8, 12 से कम है बट 8 तक है, लेवल किस में आएगा, ए या बी में, मतलब ये क्लाइंट अभी स्टेबल है। थर्ड वन इज क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है जी, अगर बढ़ा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी में है। नेक्स्ट वन इज सोडियम डिक्रीज और इनक्रीज विदाउट चेंज इन कॉन्शियसनेस, मेक श्योर करना इस लाइन का पता हो, इफ इट इज विद चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस तो पेशेंट को क्या ब्रेन इन्वॉल्व है, पेशेंट को सीजर हो सकते हैं, वो तो अनस्टेबल क्लाइंट है, बट इफ इट इज विदाउट चेंज इन कॉन्शियसनेस दैट इज स्टेबल क्लाइंट, कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट लेवल अप टू 90,000, नॉर्मल प्लेटलेट लेवल कितने होते हैं हमारे 150,000 से लेकर 400,000, बट इफ इट इज लेस देन 150,000 यानी कि अगर 90,000 तक है, ये ए और बी में आएंगी, दैट इज स्टेबल क्लाइंट। बट इफ प्लेटलेट लेवल इज लेस देन 50,000, ये 50,000 से कम है, तो ये किस में आएगी, हमारी सी और डी में आएगी, मेक श्योर करना पता हो। नेक्स्ट वन इज पेडी पेशेंट इज रेडी फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज है मतलब ऑब्वियसली डिस्चार्ज किस पेशेंट को करेंगे जो स्टेबल है, अगर कोई ऐसी हमारी दे रखी है स्टेटमेंट, मेक श्योर करना स्टेबल क्लाइंट। एडमिटेड लॉन्गर देन 24 आर 100% स्टेबल क्लाइंट, हम किस क्लाइंट को अनस्टेबल मानते हैं, अभी न्यूली डायग्नोज और न्यूली एडमिट हुआ है, अगर एक दिन से ज्यादा हो चुके एडमिट हुए को कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। उसके बिना हम अनस्टेबल किसको मानते हैं, एक्यूट इलनेस जो अभी हुई है शॉर्ट टर्म में हुई है, पोस्ट ऑप लेस देन 12 आवर्स हम बात कर चुके हैं अनस्टेबल क्लाइंट है हमारी प्रायोरिटी है, जर्नल एनेस्थीजिया लगाओ अनस्टेबल क्लाइंट है हमारी प्रायोरिटी है, लैब वैल्यूज ऑफ सी एंड डी लेवल, अब सी और डी में कौन कौन सी आती है, WBC लेवल का इंक्रीज और डिक्रीज कोई भी हो, क्योंकि इंक्रीज होना इन्फेक्शन इंडिकेट करता है, डिक्रीज होना क्या पेशेंट इज प्रोन फॉर इन्फेक्शन, हमेशा हमारे क्या अनस्टेबल क्लाइंट। INR लेवल इंटरनेशनल नॉर्मलाइजिंग रेशियो हमारी ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम को चेक करने के लिए होती है, इफ इट इज मोर देन 3 कीप इन माइंड अनस्टेबल पेशेंट। पोटेशियम का बढ़ जाना और पोटेशियम का कम होना दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग है,
हमेशा हमारी प्रायोरिटी है। एच बी लेवल लेस देन एट, मैंने यहां पर क्या बताया था, एच बी लेवल अप टू एट क्या है, ए और बी है। एच बी लेवल अगर 8 से कम है तो पेशेंट सीवियर है, पेशेंट क्या है, अनस्टेबल क्लाइंट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, नॉर्मल लेवल कितना होता है, 35 to 45, ठीक है। इफ इट इज अगर 45 से ज्यादा हो जाए तो पेशेंट में क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है। इफ इट इज अप टू 45 से ज्यादा है बट अप टू कितनी है, 59 है, तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, सी में। बट इफ इट इज मोर देन 60 प्लस है तो इसको किस में करेंगे, डी में, मींस रेस्पिरेटरी फेलियर। कीप इन माइंड इसका अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बड़ा हुआ है। आफ्टर दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल कितनी होती है, 80 to 100, इफ इट इज लेस देन 70 सी या डी में आएगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, नॉर्मल कितनी होती है, 93 to 100% होती है, बट इफ इट इज लेस देन 93 हमारा सी या डी, क्योंकि हमारा क्या है, लंग्स की बात हो रही है यहां पर। उसके बाद और कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड अनस्टेबल क्लाइंट होते हैं, न्यूली एडमिटेड, न्यूली डायग्नोज, या फिर चेंज इन असेसमेंट, मेक श्योर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर वर्ड आ रहा है न्यूली एडमिटेड, थिंक अबाउट ये हमारा अनस्टेबल क्लाइंट है। न्यूली डायग्नोज, कोई नई चीज का डायग्नोज हुआ है, अनस्टेबल क्लाइंट। चेंज इन असेसमेंट का मतलब क्या है, पहले हमने वाइटल साइन चेक किए थे, ब्लड प्रेशर आया था 120/80, 2 घंटे के बाद चेक किया, ब्लड प्रेशर आ गया जी 100/60, अनस्टेबल क्लाइंट। अगर उसकी असेसमेंट में बार बार चेंज हो रहा है, ग्लास्को कोमा स्केल 2 घंटे पहले कुछ और आया था, 2 घंटे के बाद कुछ और आ रहा है, अनस्टेबल क्लाइंट। नेक्स्ट वन, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपेक्टेड साइंस आर ऑलवेज कंसीडर एज स्टेबल क्लाइंट, अनएक्सपेक्टेड साइंस आर ऑलवेज कंसीडर इन अनस्टेबल क्लाइंट। अब इसका क्या मतलब है, जब भी किसी पेशेंट को एक्सपेक्टेड साइन है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जी इस कंडीशन में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेशेंट को हो रहा है जी, यू नो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रीनल स्टोन्स, पेशेंट को 10 out of 10 पेन हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड साइन है। ऑब्वियसली पेशेंट को रीनल स्टोन है तो कोल की पेन, हमारे रीनल एरिया में बहुत ज्यादा पेन होगा, ये क्या है, दीज आर द एक्सपेक्टेड साइन। अब रीनल स्टोन्स वाले को रीनल एरिया में पेन होगा, चाहे 10 out of 10 है, ये क्या, एक्सपेक्टेड साइन। बट अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड है, पेशेंट इज गोइंग फॉर यू नो एक्सरे और पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, अब एक्सरे में चेस्ट पेन, चाहे वो चेस्ट पेन 10 out of 2 ही है, 2 ही है, माइल्ड चेस्ट पेन है, नेवर एवर एक्सपेक्टेड, हमेशा क्या है हमारा क्या है, अनस्टेबल क्लाइंट है। अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, पेशेंट विद मेनिनजाइटिस, डायग्नोस क्या है, मेनिनजाइटिस, ब्रेन की बात हो रही है, हैविंग फीवर, 102 फीवर है। पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, हैविंग फीवर, ठीक है जी। अब मेनिनजाइटिस, ब्रेन एक बहुत ज्यादा वाइटल ऑर्गन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि हमारी इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू ब्रेन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर हम डायग्नोसिस के बेसिस पर देखें तो पेशेंट को क्या है, हमारा क्या है, हमारा ब्रेन यू नो ज्यादा वाइटल है, तो ये आना चाहिए। प्लस इस पेशेंट को फीवर भी कितना दिखा रखा है, 102 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पेशेंट, ठीक है जी, इसको क्या है 100.4 है। बट मेक श्योर करना, अगर आपको मेनिनजाइटिस के बारे में अच्छे से पता है, सो आपको यह भी पता होगा फीवर इज एक्सपेक्टेड साइन, फीवर क्या है, एक्सपेक्टेड है मेनिनजाइटिस में, क्योंकि इन्फेक्शियस प्रोसेस है, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में फीवर का होना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी भी फीवर नहीं हो सकता, अगर इतना कम फीवर है दैट इज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड, ये हमें किसी और वजह से हो गया है। क्लासिकली ये किस कंडीशन में होता है, जब मेरी कोलोन, जब मेरी इंटेस्टाइन क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, परफोरेट हो जाए, उस कंडीशन में हमें होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस में क्लासिकल इसका साइन होता है फीवर ओवर 100.4, दैट इज अ साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्सपेक्टेड है ही नहीं है फीवर, अगर फीवर हुआ है तो वो किसी और कंडीशन की वजह से हुआ है। सो दीज क्लाइंट आर ऑलवेज आर प्रायोरिटी, जबकि इसमें कितना बड़ा डायग्नोस लग रहा था, कितना ज्यादा फीवर लग रहा था, ये डायग्नोस भी छोटा है, फीवर भी कम है, बट अनएक्सपेक्टेड है, नहीं होना चाहिए, तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी है, दीज आर अनस्टेबल क्लाइंट, मेक श्योर करना आपको ये रूल भी पता हो। नेक्स्ट द लास्ट वन इज गोल्डन रूल, इस रूल को याद रखने से पहले आपने क्या समझना है, रिगार्डलेस ऑफ, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, 4 थिंग ऑलवेज आर प्रायोरिटी, रिगार्डलेस एक्सपेक्टेड है या नहीं है, ये हमेशा हमारी प्रायोरिटी है। जब आपको ये 4 चीजें दिखेंगी, मेक श्योर करना ये हमेशा प्रायोरिटाइजेशन में आती है।
सबसे पहले पल्सलेसनेस। अब आपने पेशेंट की पल्स चेक की जी, पल्स नहीं आ रही, ऑलवेज आर प्रायोरिटी। ऑल्दो हमें पता है जी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का क्लासिकल साइन होता है पल्सलेसनेस। आप ऐसा नहीं बोलोगे वो मैंने तो बुक में पढ़ रखा है, दैट इज एक्सपेक्टेड साइन पेशेंट में क्या है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन वाले में तो पल्स होती नहीं है, पेशेंट की डेथ हो जाएगी रिगार्डलेस ये एक्सपेक्टेड है या नहीं है, ऑलवेज आर प्रायोरिटी। सो मेक श्योर करना अगर पेशेंट पल्सलेस है, पेशेंट ब्रेथलेस है, हमेशा हमारी प्रायोरिटी आएगी। नेक्स्ट वन इज हेमरेज। अब पेशेंट फॉर एग्जांपल हीमोफिलिक पेशेंट है, वहां पर देखा है यू नो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, पेशेंट इज हैविंग हीमोफीलिया, उसको हेमरेज हो गया। अब आप ये नहीं, हीमोफीलिया क्या होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, हम ये नहीं बोलेंगे वो हीमोफीलिया में तो हेमरेज एक्सपेक्टेड है, नेवर एवर, ऑलवेज आर प्रायोरिटी। याद रखना देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग एंड हेमरेज। ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है, हेमरेज कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होता। हेमरेज क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अनवांटेड ब्लीडिंग। फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं हमें पता है अप टू 500 ml क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, मोर देन 500 ml क्या है, वो हेमरेज है, वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ब्लीडिंग एंड हेमरेज। अगर मैं आपको कट लगाऊंगा आपकी बॉडी से भी ब्लीडिंग होगी, बट हमारी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर्स इतने अच्छे हैं एक नॉर्मल क्लाइंट में कि वो ब्लीडिंग रुक जाएगी, कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी हेमरेज में। अगर हेमरेज की बात कर रखी है, थिंक अबाउट आर प्रायोरिटी रिगार्डलेस वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं है। थर्ड वन हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, फीवर ओवर 100.4 इज ऑलवेज आर प्रायोरिटी। अगर यहां पर दिया होता जी पेशेंट को फीवर है 100.4 से ज्यादा, ऑलवेज आर प्रायोरिटी रिगार्डलेस, फिर हमें इससे कोई लेना देना नहीं, रिगार्डलेस पेशेंट का एक्सपेक्टेड है नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पेशेंट को फीवर ओवर 100.4 हो जाए उन पेशेंट में पूरे पूरे चांसेस होते हैं सीजर्स होने के। सो ऑलवेज आर प्रायोरिटी। लास्ट वन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट की इमीडिएटली डेथ हो जाएगी अगर पेशेंट, हम ऐसा नहीं बोल सकते वो पेशेंट यू नो इंसुलिन ले रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है, नेवर एवर, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। दीज फोर रूल्स आर ऑलवेज आर प्रायोरिटी रिगार्डलेस ये एक्सपेक्टेड है या नहीं है। ये सारी चीजों में रूल्स फॉलो होंगे इन चार चीजों को छोड़कर। मेक श्योर आप इन रूल्स को अच्छे से समझे, आप इन रूल्स को समझ गए कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, आई कैन बेट यू कि आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे। मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से समझे, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें उन लोगों के साथ जो भी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।